हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे इन अवर इंग्लिश ग्रामर क्लास ऑफ ग्रेड फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ए एंड और द दिज आर आर्टिकल्स बच्चों आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और आर्टिकल्स तीन होते हैं द फर्स्ट वन इज ए द सेकंड वन इज एन एंड द थर्ड वन इज द एज यूज बिफोर अ वर्ड विच बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड ए तब यूज होता है जब कोई भी वर्ड कॉन्सनेंट से स्टार्ट होता है एग्जाम्पल अ कैप कैप जब हम लिखते हैं तो सी से स्टार्ट होता है इसलिए और सी क्या है एक कॉन्सनेंट है इसलिए उसके आगे हम ए लगाते हैं अ हैन हैन का एच कंसनेंट है एक कॉन्सनेंट से स्टार्ट होता है इसलिए उसके आगे भी हम आ लगाते हैं अब बैट वेन वी राइट बैट इट स्टार्ट विथ बी जब हम बैट लिखते हैं तो बी से स्टार्ट होता है और बी एक कॉन्सनेंट है इसलिए उसके आगे भी हम अ लगाते हैं एक्सेट्रा एन इज यूज बिफोर अ वर्ड विच बिगिन विथ अ वोवल साउंड अब एन जो है यूज होता है जब कोई भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है एग्जाम्पल एंड आउल एंड एग एंड एप्पल एक्सेट्रा अब आउल आउल का ओ जो है वो एक वॉवल है क्योंकि वॉवल हमारे फाइव से ना ए आई ओ एंड यू तो वो एक वॉवल है और स्टार्ट किससे हो रहा है आउल ओ से इसलिए हमने एन लगाया नेक्स्ट एन एग एग का ई भी एक वोवल है इसलिए उसके आगे भी हमने एन लगाया एन एप्पल एप्पल स्टार्ट विथ लेटर एप्पल कैसे स्टार्ट होता है ए से और इसलिए हमने उसके आगे भी एन लगाया है बिकॉज ए इज अ वोवल

The sun, the Quran, the earth, etc. Hope, students, you all have understood this well. Now, read it twice or thrice so that you can understand it in a better way. Thank you.